हेलो फ्रेंड्स, आज आपको दिखाऊंगा मोबाइल से सिंपली कैसे आपका आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सके। तो सबसे पहले मोबाइल में आपको जो क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद जो पेज आपको सामने आएगा वो आपको दिखाऊंगा कैसे। सबसे पहले लिखना होगा आपका जो सर्च बार, उसमें डाउनलोड आधार टाइप करना है, ठीक है। तो डाउनलोड आधार टाइप करने के बाद सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद आपको दिखाएगा सबसे ऊपर में गेट आधार, उसको जो लिंक है उसको क्लिक करना है, ठीक है। और लिंक करने के बाद आपको इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब पेज ओपन होने के स्क्रॉल डाउन करके जो लिखाएगा जो डाउनलोड आधार वाले जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ दिखाएगा आपको, देखिए आधार नंबर एनरोलमेंट आईडी वर्चुअल आईडी शो करेगा। यहाँ पे आपको अपना जो आधार का जो नंबर है वो आपको टाइप कर देना है, ठीक है। अगर यही प्रोसेस में आपको आधार नंबर टाइप करने से सबसे आसान तरीका है, अगर आपको वर्चुअल आईडी याद रहे तो वर्चुअल आईडी आप देना दे सकें। सबसे बेहतर है आपको आधार कार्ड का जो अपना नंबर है वो नंबर आपको डालना है, वही अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ पर जो आई वन मास्क आधार, इसमें आपको टिक करना है, लेकिन मैं टिक नहीं करूँगा क्योंकि इसमें अगर टिक करेगा तो आपका जो आधार नंबर प्रिंट करके जो निकलेगा उसके सामने जो आपका आधार नंबर वो शो नहीं होगा, खाली लास्ट में जो दो डिजिट या चार डिजिट है वही शो करेगा, बाकी सब क्रॉस दिखाएगा। इसलिए हम इसमें मार्क जो है चेकबॉक्स में इसमें टिक नहीं करूँगा, ठीक है। अगर टिक किया तो जना आपका आधार नंबर नहीं शो करेगा, अपना जो प्रिंट किया जो आधार कार्ड उसमें नहीं शो करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, खाली आधार नंबर यहाँ पे डाल के छोड़ देना है। और नीचे आके यहाँ का जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, मतलब कैप्चा जो वेरिफिकेशन है, आपको कैप्चा टाइप करना है, ठीक है। कैप्चा टाइप करने के बाद अपना जो मोबाइल नंबर इसमें जो रजिस्टर्ड है वो आपके पास रखना होगा, और उसमें जो OTP आएगा OTP आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपका जो कैप्चा गलत टाइप हो गया, इस पर आपको सही तरह के आपको टाइप करना है। और आपको टाइप करने के बाद आपको सेंड OTP जो है उसमें आइकॉन है उसमें क्लिक करना है। इस क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में मैसेज आएगा, OTP आएगा, इसको जो आपको मोबाइल में रजिस्टर है पहले से ही आधार कार्ड में। तो देखिए मेरा फ़ोन में OTP आ गया है, और OTP ये आपको यहाँ फिल करना है। तो जैसे कि आपके यहाँ पे OTP आ गया है, इसमें OTP फिल करने के बाद आपको क्या दिखाएगा वो आपको दिखाऊँगा। अब मैं यहाँ पे OTP डाल दिया हूँ, और OTP डालने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे जो है टेक ए क्विक सर्वे जो ऑप्शन है, आपको इस तरह का आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है उस आपको फिल करना होगा। या डिड यू नो दैट यू कैन ऑर्डर रिप्रिंट ऑफ अदर लेटर फ्रॉम UIDAI वेबसाइट। यहाँ पे मैं टिक कर देना है येस में। और दूसरा जो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज डिड यू रिसीव द रिप्रिंटेड आधार लेटर आफ्टर गेटिंग SMS फ्रॉम इंडिया पोस्ट। यहाँ पे मैं फिल कर देना है विद इन 5 days वर्किंग, और वेरीफाई एंड डाउनलोड करना है, वहाँ पे जो आइकॉन दिखा रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये डाउनलोड करने के बाद आपको पेज खुल जाएगा, और ये जो फाइल है ये आपको प्रोटेक्टेड दिखाएगा, ठीक है। आपका जो आधार डाउनलोड हो गया, इसमें आपको क्या करना है, आपका नाम का जो 4 digit, मतलब कि अगर मेरा नाम है प्रदीप तो कैपिटल में आपको टाइप करना है PRAD, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वही ईयर आपको टाइप करके सर्च करना है। तो फाइनली आपका जो PDF फाइल में आप ये डाउनलोड हो गया है, और इसको मैं प्रिंटर में प्रिंट करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको मोबाइल में
कैसे आधार कार्ड डाउनलोड करना है, ये तरीका है।